भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज क्रिकेटर गौतम गंभीर को टीम इंडिया का मुख्य कोच घोषित किया गया है। बीसीसीआई सचिव जैसा ने गौतम गंभीर का नाम इंडिया के कोच के रूप में घोषित किया है। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले को लेकर अधिकारी ने बताया कि इस केस की चार्जशीट में क्या लिखा है। मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी दत्ता नालावड़े ने बताया कि यह चार्जशीट 1700 से ज्यादा पन्नों की है। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर अहले सुबह एक भीषण हादसा हो गया। बता दें कि बेहटा मुजावर क्षेत्र के गधा गांव के समीप स्लीपर बस के आगे चल रहे दूध के टैंकर में पीछे से टकरा गई। इस भीषण हादसे में एक बच्चे समेत 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के उन्नाव में आज सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में कुल 18 यात्रियों की मौत हो गई, जिसमें 14 पुरुष और 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। बता दें कि यह हादसा डबल डेकर बस के दूध कंटेनर में टक्कर की वजह से हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 दिवसीय यात्रा के लिए रूस गए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं। यहां वियना में ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया और उनके लिए रात्रि भोज का आयोजन भी किया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि भोपाल और इंदौर में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं एक बार फिर से प्रदेश के कई शहरों में तापमान में इजाफा देखा जा रहा है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह मंगलवार को अपने परिवार के साथ अयोध्या रामलला के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्ट पर पोस्ट कर लिखा कि परिवार के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम से समस्त देशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। बारिश के आते ही सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं। पिछले कुछ दिनों में भी सब्जियों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि इसका सीधा असर पॉकेट पर पड़ा है। आलू से लेकर टमाटर, प्याज, भिंडी, तोरी, हरा धनिया समेत तमाम सब्जियों के दामों में तेजी से उछाल आया है, जिसमें लोगों की घरों की रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। आम आदमी पार्टी के नेता करतार सिंह तंवर और पार्टी के पूर्व नेता राजकुमार आनंद बीजेपी में शामिल हो गए। बता दें कि तंवर दिल्ली की छतरपुर सीट से विधायक हैं। इस मामले में दोनों नेताओं के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस बात को निशाने पर लिया है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल की जनसंपर्क अधिकारी पूजा थापक ने सुसाइड कर लिया। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग में पूजा असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर थी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने पारिवारिक कारणों के चलते आत्महत्या की आशंका जताई है। मध्य प्रदेश के रियल स्टेट कारोबार को लेकर चौंकाने वाली खबर है। रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के आंकड़े बताते हैं कि लोग भोपाल में कम इंदौर में ज्यादा रहना चाहते हैं। इसका अंदाजा दोनों शहरों में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट से किया जा सकता है। इंदौर में भोपाल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ग्वालियर से भोपाल आया 12 क्विंटल मावा जब्त किया गया है। लावारिस हालत में मावा जब्त किया गया। जांच के लिए सुबह 5 बजे सैंपल लिए गए। जानकारी के अनुसार शादी के सीजन में मावा की खपत को पूरा करने 40 क्विंटल मावा भोपाल भेजा गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जानकारी दी कि युवा पीढ़ी को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का लाभ मिलेगा। सभी मंत्रीगण अपने अपने क्षेत्र में कॉलेजों के शुभारंभ कार्यक्रम का अवश्य शामिल हो। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर के चैलेंजर 3500 विमान को खरीदने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश सरकार के पास 2021 से कोई विमान नहीं था, तब से ही नया विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जो अब पूरी हो चुकी है। बाबा ने पीड़िता के भाई को सड़क किनारे खड़े कर दिया और कहा कि कोई आए तो आवाज देना और 2 घंटे बाद अंदर आ जाना। फिर इसके बाद बाबा ने पूजन सामग्री बिछाकर कुछ देर पूजा के बाद युवती को भभूत और जल दिया, जिसे ग्रहण करने के बाद वह बेहोश हो गई।